एक समय कुरु देश में ओलों की भारी वर्षा हुई। इससे सारे उगते हुए पौधे नष्ट हो गए और भयानक अकाल पड़ गया। दुष्काल से पीड़ित प्रजा अन्न के अभाव से देश छोड़कर भागने लगी। वहीं एक उशस्ति नाम के ब्राह्मण भी रहते थे। उनकी स्त्री का नाम आटिकी था। उसे लेकर उशस्ति भी देश छोड़कर इधर उधर भटकने लगी। भटकते भटकते वे दोनों एक महावतों के ग्राम में पहुंचे। भूख के मारे बेचारे उशस्ति उस समय मरणासन्न अवस्था में थे। उन्होंने देखा कि एक महावत उबले हुए उड़द खा रहा है। वे उसके पास गए और उससे कुछ उड़द देने को कहा। महावत ने कहा कि मैं इन बर्तनों में रखे हुए जो उड़द खा रहा हूँ, इसके अतिरिक्त मेरे पास और उड़द है ही नहीं, तो मैं कैसे दूँ। उशस्ति ने कहा कि जिस बर्तन से तुम खा रहे हो इसी में से मुझे कुछ दे दो। इस पर महावत ने थोड़े से उड़द उशस्ति को दे दिए और सामने जल रख कर कहा कि लो उड़द खाकर जल पी लो। उशस्ति बोले कि नहीं, मैं यह जल नहीं पी सकता, क्योंकि इसे पीने से मुझे उच्छिष्ट पान का दोष लगेगा। महावत को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पूछा कि ये उड़द भी तो हमारे जूठे हैं, फिर जल में ही क्या रखा है कि इसे पीने से तुम्हें जूठन का दोष लगेगा। उशस्ति ने कहा कि भाई, मैं यदि उड़द न खाता तो मेरे प्राण निकल जाते। प्राणों की रक्षा के लिए आपद धर्म की व्यवस्था के अनुसार मैं उड़द खा रहा हूँ, पर जल तो अन्यत्र कहीं भी मिल जाएगा। यदि उड़द की तरह मैं तुम्हारा जूठा जल भी पी लूँ तो वह स्वेच्छाचार हो जाएगा, इसलिए मैं तुम्हारा जल नहीं पीऊँगा। यह कहकर उशस्ति ने कुछ उड़द की दाल स्वयं खा ली और शेष अपनी पत्नी को दे दी।